धनबाद में दुर्गा पूजा चरम उत्कर्ष की ओर बढ़ चला है। पंडालों में तो इस साल पट खुलने के पहले से ही भीड़ जुटनी शुरू हो गई है। वजह है कि विभिन्न पूजा पंडालों के अगल बगल की गई आकर्षक विद्युत सज्जा। यह विद्युत सज्जा किसी को भी आकर्षित कर रही है। विद्युत सज्जा के बीच बैठाए गए जंगली जीव जंतु बच्चों को विशेष आकर्षित कर रहे हैं। यह जंगली जानवर सेल्फी पॉइंट भी बन गए हैं। इस बीच पूजा पंडालों में सुरक्षा को लेकर उपायुक्त एवं एसएसपी ने विभिन्न पूजा पंडालों का निरीक्षण भी किया। शांति समिति में दिए गए निर्देशों की जांच पड़ताल की गई। उपायुक्त ने बताया कि लगभग पंडालों में दिए गए सुरक्षा के निर्देशों का अनुपालन किया गया है। थोड़ी बहुत जो कमी है उसे ठीक करने को कह दिया गया है। एसएसपी ने कहा कि धनबाद पुलिस सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने लोगों से मिलजुल कर पूजा मनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि घर और बच्चों की सुरक्षा के प्रति सचेत रहें। अगर आपके घर के अगल बगल कोई संदिग्ध व्यक्ति घूमता दिखे तो पुलिस को 112 नंबर पर सूचित करें। सुनिए डीसी और एसएसपी ने और क्या कहा। हम लोगों ने आज धनबाद जिला के विभिन्न पूजा पंडालों का धनिरसा चिरकुंडा और अभी धनबाद सिटी में भी विभिन्न पूजा पंडालों का निरीक्षण किया है। जो शांति समिति की बैठक में जिला प्रशासन के द्वारा निर्देश दिए गए थे उन्हीं के अनुपालन को लेकर के हमने दोबारा पूजा समितियों के जो ऑफिस बेयरर्स हैं उनको निर्देश दिया है। जिला प्रशासन का प्रयास यही है कि ये दुर्गा पूजा का जो त्यौहार है वो पूरी सेफ्टी के साथ में खासतौर से महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उत्साह के साथ जनता बना सके उसी को हम लोग सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोगों ने जो निर्देश शांति समिति की बैठक में दिए थे उसका इन्होंने मोस्टली अनुपालन कर लिया है। कुछ जो थोड़ी बहुत कमियां रह गई हैं वो हम लोगों ने यहाँ पे बता दिया है और इन्होंने अश्योर भी किया है विभिन्न पूजा समितियों ने कि वो लोग उसका अनुपालन करें। दुर्गा पूजा के अवसर पर पूरा धनबाद वासियों को धनबाद पुलिस परिवार की ओर से ढेर ढेर शुभकामनाएं। पूजा का टाइम है, सेंसिटिव टाइम है, बहुत लोग बहुत भीड़ रोड में रहता है, पंडाल में रहता है। आप अपना माल का सुरक्षा कीजिएगा, पिक पॉकेट से बचिएगा। बच्चा लोगों के साथ जब पंडाल घूमने के लिए आता है जरूर अपना फोन नंबर अपना एड्रेस बच्चा लोगों का पॉकेट में डाल दीजिएगा। अगर कहीं पर भी किसी बच्चा गुम हो जाता है तुरंत वॉलंटियर से बात करते हुए बच्चा को ढूंढने का काम तो कर लीजिएगा। इसके अलावा रात में आप लोग पूजा निकलने से पहले जरूर अगर आप घर बंद करके जा रहा है जरूर घर पे किसी को छोड़ के आइएगा। अगर घर पे नहीं छोड़ेंगे तो आपका घर पे लोग चोरी करने का भी संभावना हो सकता है। और आपके घर के इर्द गिर्द में अगर किसी अनजान व्यक्ति घूमने का सूचना आपको मिलता है किसी को देखता है तो जरूर इसका सूचना धनबाद पुलिस का 112 नंबर पर फोन करके आप लोग दे दीजिए।